को ऑफ कैमरा बता दूंगा कहाँ पे खड़ी, आप भी चले जाना। एक छोटे भाई के लिए बोल रहे तो मेरे चैनल पे भी भाई थोड़ा प्यार दिखा देना, सब्सक्राइब करो और इसलिए भी करो क्योंकि Z6 की पहली वीडियो इनके पास आएगी। तो क्या चल भाई लोग, यार आया तो किसी काम से था, रियास वाले रवि भाई दिख गए, वो आगे एक XL6 का रिव्यू कर रहे हैं, ओनरशिप रिव्यू मैंने भी किया था उस गाड़ी का, मेरे चैनल पे भी अवेलेबल है XL6 CNG में जो आई है उसका। भाई अब आगे गाड़ी चला रहे हैं, देखते हैं कार में, उनके साथ दो चक्कर तो मैंने लगा दिए रोड पे। देखो ये तो भाई फाइनली रवि भाई मिल चुके हैं, रिव्यू कंप्लीट कर लिया रवि भाई के साथ। मैं काफी देर से, आपने देखा गाड़ी लेकर घूम रहा था रवि भाई के पीछे। और रवि भाई XL6 का रिव्यू कर रहे थे इसका, और जो ये भाई ऑन करते हैं, मेरे चैनल पे भी है भाई की गाड़ी का रिव्यू अवेलेबल। बाकी चलो भाई से, रवि भाई से थोड़ी सी बातचीत करते हैं। जैसे आप ऑटो एक्सपो का आयो, तो जिम्नी कैसी लगी आपको? जिम्नी अच्छी गाड़ी है, प्रैक्टिकल गाड़ी है, और जिस प्राइस में वो आएगी तो बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। जो लोग ट्रैवल करते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पर 4x4 की एक्चुअल में जरूरत पड़ती है, रफ टेरेन होते हैं, चढ़ाई ज्यादा होती है, जैसे लद्दाख का रीजन हो गया, आप विंटर स्पीति करने वाले हो, लद्दाख में जाने वाले हो विंटर में, तो उनके लिए सही है क्योंकि पेट्रोल इंजन आता है उसमें और माइनस टेम्परेचर में वो स्टार्ट हो जाता है आराम से। ठीक है, जैसे थार आ चुकी, 1.5 में थार भी आ चुकी है, तो थार बीट कर पाएगी उसे? देखो थार का एक अलग ऑरा है, थार ज़्यादातर लोग टशन के लिए लेते हैं, और देखा जाए थार में डीजल ऑप्शन भी आता है जिसमें चलाने में काफ़ी मज़ा आता है, जिम्नी में 1.5 पेट्रोल है, और जो मज़े लेना चाहते हैं गाड़ी से उनके लिए नहीं है वो, जो एक्चुअल में यूज़ करना चाहते हैं उनके लिए है वो। थार में ऐसा कि आपको चलाने में भी मज़ा आएगा, और थार काफ़ी रोबस्ट भी है, अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस के साथ भी आती है, और थार में ऑप्शन भी है 4x2 का, जो ज़्यादा बजट अपना है नहीं जिनके पास वो ले सकते हैं उसको, और ऐसा नहीं है कि ये कैपेबल नहीं है, बाकी रियर व्हील ड्राइव गाड़ी उसे काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है। थार का कुछ ऐसा भी नहीं जैसे लोग स्टार्टिंग में से ले नहीं पा रहे थे ओवर प्राइस मान के, अब इसे ले लेंगे? बिल्कुल ले लेंगे, देखो दोनों गाड़ियाँ अलग अलग हैं, ऐसा नहीं है कि जिम्नी के आने की वजह से थार की सेल कम होगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है। नहीं, उसकी बॉडी लैंग्वेज में भी फर्क आ गया ना थार की और उसकी में, काफी ज्यादा है, जिम्नी काफी छोटी है। और एक मैंने उसके अंदर देखा स्पेस बहुत कम है, आपको कैसा लगा स्पेस उसका? देखो प्रैक्टिकल ज्यादा है, थार की पीछे की दो सीटें जो है ना वो उससे ज्यादा प्रैक्टिकल है जिम्नी की दो सीटें पीछे, क्योंकि उसमें 5 डोर आ जाते हैं, हालांकि इसमें भी आने वाला है कुछ टाइम के बाद। जिम्नी में आराम से आप अंदर घुस सकते हो, बाहर निकल सकते हो, सेकंड रो की मैं बात कर रहा हूँ, जबकि इसमें थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है, आगे से जाना पड़ता है इसमें। हाँ, इसमें तो खैर एंट्रेंस है ही नहीं इजिली। और जो वहाँ पे जैसे MG की काफी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी आई थी, और टाटा ने भी अपनी कर्व वगैरह का, कब तक उम्मीद आने की, कब तक आप पाएगी रवि भाई? आप लोगों को ज्यादा पता रहता है इस बारे में? 3-4 साल मान के चलो। अच्छा, और जैसे हैरियर लगाई हुई थी उन्होंने ईवी में, हैरियर 2 साल मान के चलो, हैरियर 2 साल में ईवी में आ जाएगी। और एक और गाड़ी देखी थी मैंने वहाँ पे जो कार्निवाल को ये रिप्लेस करने वाले हैं, कार्निवाल तो किया की है, किया की, हाँ किया वालों का ही बोल रहा हूँ मैं, कार्निवल का नया जनरेशन आएगा। अच्छा अच्छा, अभी तो ओल्ड जनरेशन बिक रहा है ना इंडिया के अंदर, बाहर तो चेंज हो चुका है। अच्छा, बाहर सेल हो चुकी है, स्टार्ट उसकी, काफी टाइम हो गया उसको। और जो मारुति की एक और गाड़ी थी वहाँ पे, क्या नाम था उसका, फ्रॉन्क्स, वो कैसी लगी आपको? ठीक है, अब जिसका वैसा पर्पस होगा, जो ग्राउंड क्लियरेंस से परेशान होंगे अपनी गाड़ी से, तो हो सकता है उनके लिए वो ज्यादा सेंसिबल रहे, उसको आप छोटी ग्रैंड विटारा भी बोल सकते हो। तो इंडिया में फ्रॉन्क्स के नाम से ही आएगी वो, क्या लगता है आपको? हाँ हाँ, तो लॉन्च हो गई है वो, शोकेस कर दिए, फ्रॉन्क्स उसका नाम रख दिया गया है, बस उसकी प्राइसिंग आना बाकी है। तो भाई ये तो रवि भाई से बात हो चुकी जो आने वाली है, रवि भाई हंस रहे। तो जैसा कि वहाँ पे और भी गाड़ियाँ थी, ब्रेजा है CNG में, और आपका एक दो गाड़ियाँ और थी, और ग्रैंड विटारा देखी थी मैंने उसमें मैट में, वो कितना लगता है चलने वाली चाहिए? मुझे ना उसका मैट कलर पसंद नहीं आया रवि भाई। अब देखो तो पसंद की बात है, लोग बाहर से मैट PPF करवा के चेंज करवा रहे हैं, उनके लिए तो एक ऑप्शन मिल रहा है ना फैक्ट्री फिटेड, फैक्ट्री से ऑप्शन मिल रहा है, और अब देखो वो दिखाने वाली बात थी, आएगा नहीं आएगा वो तो बात की बात है, उन्होंने शोकेस किया था वो चीज,
उस वहां पर ज्यादातर ऐसी चीजें होती है जो शोकेस की जाती है सिर्फ, इनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता काफी लंबे टाइम तक। हाँ, अब देखो डिमांड आएगी लोगों की तो हो सकता है कि वो दे दें, बट मैट में मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मैंने सेल्टोस देखी थी एक बार किया में, उसमें स्क्रैच लग गई थी, वो जो इनका टाइम होता होगा लॉजिस्टेट का लाते टाइम जो भी, तो वो उनपे कवर करना काफी मुश्किल पड़ गया था, पार्टी चेंज करना पड़ा था उन्हें गेट। अच्छा। हाँ, रेयर गेट था, तो उस हिसाब से देखा जाए तो मैट कलर मुझे समझ से बाहर भी है थोड़ा, पर ये जैसा आप बता रहे हो आएगा नहीं आएगा वो तो टाइम पे पता चलेगा। और वहां मुझे एक कलर और खड़ा था रवि भाई, जो ब्रेजा थी वो मैट ब्लू था या सिर्फ वैसे ब्लू था? वो मैट ब्लू था, वो सीएनजी वाली ब्रेजा खड़ी थी, सीएनजी वाली ब्रेजा खड़ी थी जो। हाँ। वो मैट ब्लू था। हाँ। चलो भाई रवि भाई से ही थोड़ा सीखेंगे भाई, अभी तो रवि भाई के पीछे पीछे चल रहे हैं हम। अरे और रवि भाई चलो ये तो ऑटो एक्सपो का था, जैसे आप थार देख रहे यूज कर रहे हैं ये 1.5 में, इसके बारे में आपका क्या कहना, क्या है इंजन परफॉर्मेंस कैसी है इसकी? अच्छी है काफी। हैंडलिंग वगैरह? हैंडलिंग तो थार की जैसी होती है वैसी है, मतलब थार हिलती डुलती चलती है। नहीं उसका जैसे पहले जो वो थी क्या नाम है टू जो 2 लीटर में आ रहा है इसका इंजन, टू पॉइंट टू उसका इंजन ज्यादा सॉफ्ट, इसका स्टीयरिंग ज्यादा सॉफ्ट बता रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, मेरी एक दो लोगों से बात हुई ड्राइविंग के टाइम पे। अच्छा। वो कहते हैं इसका हार्ड और उसका सॉफ्ट है। नहीं ऐसा नहीं है, मतलब बराबर ही लगा मुझे तो। अच्छा। हो सकता है किसी किसी गाड़ियों में ऊपर नीचे हो, रहता भी है ये, हो भी सकता। तो इसमें कुछ वेट में भी फर्क आया रवि भाई गाड़ी के में? बिल्कुल आया है। कितना? 4x4 निकल गया, इंजन छोटा लग गया तो उसकी वजह से वेट कम हो गया। वेट कम होगा। बाकी माइलेज वगैरह भी देखी आपने इसकी क्या? माइलेज अच्छी निकाल रही है। कितने? ये सिटी में निकाल रही है 13-14 की बड़े प्यार से। और रवि भाई जैसे आप स्कॉर्पियो यूज कर रहे हैं, स्कॉर्पियो N8 लग्जरी है ना आप वाला? अब Z4 आ गया तो 4x4 में तो आपको लगता नहीं है कि गलत ले लिया आपने वो? नहीं, उसमें इतने फीचर मिलते हैं और साथ में जो 4x4 है वो पुराना वाला है, ये नया है। अच्छा। दोनों में अंतर है, इसमें MLD वगैरह भी आता है और साथ के साथ BLD मिलता है आगे के टायरों में, तो वो चीज नहीं है उसमें Z4 वाले में। अच्छा अच्छा। BLD क्या है? ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल, MLD मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल। तो मतलब आपको लगता है कि आपने गाड़ी वो सही ली है? बस मुझे तो इतना फर्क लगता है कि उस पे Z8 लग्जरी पे इन्होंने 4 एक्सप्लोर लिख दिया, उस पे 4x4 कर दिया। तो वो लिखा है, पर्पस है उसका, अलग अलग है दोनों। उसमें टेरेन मोड भी आते हैं, इसमें नहीं आते, इसमें सिंपल है। इसमें सिंपल है, तो फिर आपको लगता है कि आपका वैल्यू फॉर मनी वो भी है Z4 वाला, ऐसी बात नहीं है, बजट कम है तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज है। तो वो तो सिर्फ मैनुअल डीजल में है ना 4x4? कहते हैं ना स्टार्टिंग पॉइंट है, पहली सीढ़ी चढ़े हैं अभी। अरे पहली सीढ़ी में बहुत सारी चीजें होती है जानने की, तो पांचवी छठी में नहीं होती है। नहीं नहीं वो बात तो ठीक है, अंदर की बातें तो पहली सीढ़ी से निकलती है। ऐसा कुछ नहीं है, टाइम नहीं लगेगा पांचवी सीढ़ी चढ़ने में। चलो भाई आप लोगों का प्यार बना रहा तो चढ़ेंगे, बाकी हम तो कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा आगे चलने की। बिल्कुल सर, कोशिश करते रहो। चलिए तो भाई बड़ा अच्छा लगे रवि भाई से मिलके, कोशिश मैं ट्राई तो करना आता कि रवि भाई अगर स्कॉर्पियो N लाएंगे Z8 लग्जरी तो उसका रिव्यू करेंगे। तो चलो नोएडा चलेंगे भाई की गाड़ी का रिव्यू करने के लिए रवि भाई का। और मैं हकीकत में काफी टाइम से मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार था, काफी बार मेल भी किया था मैंने रवि भाई को, एक छोटे भाई के लिए बोल रहे तो मेरे चैनल पे भी भाई थोड़ा प्यार दिखा देना, सब्सक्राइब करो और इसलिए भी करो क्योंकि Z6 की पहली वीडियो इनके पास आएगी, बाकी देखेंगे आएंगी तो आपको दिख जाएगी। बाकी भाई वीडियो शेयर भी करना, रवि भाई आए आज हमारे साथ वीडियो पे, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना, और कमेंट करके बताना जहाँ कमी लगता है। वैसे भी बहुत सारी कमी निकालते हैं लोग मेरी वीडियोस में, और भाई निकालते रहो कमी, जब भी कुछ सीखूंगा जब आप कमी निकालोगे। सही बात है। चलो भाई मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय।